ओके उसने उसको टच किया, मे बी वो फूटने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभव एंड इट्स अ वाओ वीक। इसका मतलब आज हम करने वाले हैं ट्राई नॉट टू से वाओ चैलेंज एंड आपको रूल्स तो पता ही है। हमारे पास टोटल 5 पाइपलाइंस है, आपकी भाषा में लाइफलाइंस है, अगर आपने वाओ बोला तो आप हार जाओगे। ओ क्या है भाई ये, आओ एक फोड़ा है किसी के पैर के ऊपर। डे 5 द ब्लिस्टर शोज इट्स ऑल ग्लोरी। ओके ब्लिस्टर है मतलब एक गुब्बारे की तरह एक चीज है। द ब्लिस्टर अचीव इट्स मैक्सिमम साइज एंड इट्स वेरी मैच्योर नाउ। ओ माय गॉड भाई कितना अजीब लग रहा है वो फूट जाएगा भाई, ऐसा लग रहा है वो आज ही फूट जाएगा उसको टच करते ही। ओके उसने उसको टच किया, मे बी वो फूटने वाला है। डे 12 मॉर्निंग द ब्लिस्टर इज स्लोली एंडिंग इट्स लाइफ। ओ माय गॉड फूट गया वो, ब्लिस्टर पॉप्स। Day 26, it's some distant planet, I think. Oh my god, and 2 months after, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है। You had to adjust your shoes to fit it. Shoes वगैरह पहनने में तो बहुत दर्द होता होगा भैया, लेकिन देखने में बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई एलियन चीज है एंड उसको उसने टच किया फूट गया। वैसे आप में से किसी के पैर के ऊपर ब्लिस्टर वगैरह आया था? अगर आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ एंड कितना दर्द होता है और कैसा लगता है वो भी बताओ मुझे। तो यहाँ पर एक लाइटर है जो जल रहा है, लेकिन वो जल कहाँ से रहा है भाई, वो उसकी बस फ्लेम दिखाई दे रही है। इनविजिबल लाइटर, नॉर्मली जो लाइटर होते हैं उनकी फ्लेम दिखती है जलते हुए, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का लाइटर है भाई, पहली बार मैंने ऐसा लाइटर देखा है। एक फनल है, फनल के अंदर एक मोमबत्ती है जो जल रही है एंड ये पानी डाल रहा है लेकिन वो बुझ नहीं रही है। वाओ वाओ नाओ 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 वाओ नहीं बोल, मैंने आओ की जगह वाओ बोल दिया, इट्स ओके कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक फनल है, फनल के अंदर एक मोमबत्ती है एंड ये बंदा उसके अंदर पानी डाल रहा है लेकिन वो मोमबत्ती बुझ नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो क्या स्ट्रेंथ है भाई की, भाई उसने कितनी ऊंची जंप लगाई, मे बी वो 3 फीट तो डेफिनेटली होगा। हाउ ओ भाई उसने कैसे किया ये, तो मैंने आज तक कभी टेबल टेनिस खेला नहीं है लेकिन ये चीज देखने के बाद मेरे को खेलने का मन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, आई गेस बीच में कुछ तो है, लकड़ी जैसी कोई तो चीज है। डायरेक्ट ओ तो उसने एक बॉल से दूसरे बॉल को उड़ा दिया। वेट व्हाट क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बंदा है जो पानी के ऊपर एक टायर है उसके ऊपर खड़ा है एंड उसके हाथ में एक टेबल है एंड टेबल के ऊपर बाउल से एंड वो गिर भी नहीं रहा, वो उसको कितना बैलेंस कर रहा है, मतलब उसके हाथ में एक टेबल है, टेबल के ऊपर बाउल से लेकिन वो बाउल हिल भी नहीं रहे थोड़े से भी, अगर मैं होता तो इधर उधर जाकर सीधा गिर जाता पानी के अंदर, लेकिन ये बंदा बैलेंस कर रहा है उस चीज को, मानना पड़ेगा भाई। इट्स अ कप, वो कप के अंदर धुआं है, डेफिनेटली सिगरेट का ही धुआं है एंड उस कप में से धुआं नीचे गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूध वगैरह कोई नीचे गिर रहा है या कोई सफेद लिक्विड नीचे गिर रहा है। क्या ये, मे बी कोई पेंटिंग है, एक सर्कुलर चीज के ऊपर पेंटिंग ड्रॉ करी जा रही है। ओह दिस इज सो सैटिस्फाइंग, जो सर्कल्स बन रहे थे वो एकदम सैटिस्फाइंग लग रहा था, नाइस। कार की खिड़की है, क्या है कार, ओ बर्फ लगी है, यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है कि जो खिड़की है कार की वो भी बर्फ की बन चुकी है। ओ कुछ तो निकल रहा है पाइप में से, क्या है पानी, ओ पानी है, मे बी वो जम चुका है दैट्स व्हाई वो बर्फ की फॉर्म में बाहर आ रहा है एंड वो टूट रहा है, आई गेस उसका वेट ज्यादा है दैट्स व्हाई वो सामने जाकर नीचे गिर कर टूट रहा है। कितना सैटिस्फाइंग है, पानी निकल रहा है उसमें से, बर्फ वाला पानी पाइप में से भाई, वो बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। ओ क्या ये, आओ What is this? Wow! It's a wow thing. क्या है ये? I don't know ये क्या था, लेकिन बहुत satisfying था and ये चीज़ wow deserve करती है। तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ तो था, then उसने उसको दबाया and उसको दबाने के बाद वो फैलना शुरू हो गया। Maybe इसके अंदर air वगैरह जाना शुरू हो गई होगी, that's why ऐसा हो रहा है। I don't know ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा। अगर आप में से किसी को बताओगे ना ये क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। क्या ये? ये हमारे यहाँ भी चीज मिलती है, मैंने भी एक बार किया था लेकिन इतना नहीं निकलता भाई, इसमें से कितना निकला है, वो भाई वो इतनी सी चीज थी उसमें से इतना सारा कॉटन निकला बाहर, यहाँ पर भी मैं भी वही चीज है भाई, उसने बस उसको टच किया एंड देन वो पूरा फिलअप होकर बाहर आ गया, वो ट्री में से पानी बाहर आ रहा है, हाउ ऐसा कैसे हो सकता है भाई। भाई ये सही में ट्री है ना, यह मुझे ट्री तो दिखाई दे रहा है एकदम परफेक्ट ट्री है, नेचुरल ट्री है, लेकिन उसमें से पानी कैसे निकल रहा है भाई एंड यहाँ पर कोई मोटर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, उसके बिना ये पानी इसमें से कैसे निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसके ऊपर देखो पत्तियाँ वगैरह भी है, इसका मतलब ये रियल ट्री है। ओ शूज, व्हाइट कलर के शूज थे, उसने गंदे कर दिए लेकिन पानी डालते ही वो
साफ हो गई। वो भाई किस टाइप का शूज है, मुझे चाहिए। अभी अभी इस बंदे ने एक पानी का गड्ढा था उसके अंदर अपने शूज खराब किए, देन पानी डालने के बाद वो इजीली साफ हो गया एकदम साफ सफेद कपड़े की तरह। भाई कौन सी कंपनी का शूज है, आई नीड इट, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है, मतलब बहुत सारे गड्ढे होते हैं एंड उनमें हमारा पैर वगैरह आ जाता है तो हमारे शूज खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला शूज है हमको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको बस उसके ऊपर पानी डालना है देन वो साफ हो जाएगा एकदम नए की तरह। ओ बुड्ढी के बाल बनाने वाला, आई जस्ट लव टू ईट दैट। ओ वो हवा में जा रही है चीज एंड वो बस उसको गोल गोल घुमा रहा है एंड वो उससे आकर जुड़ रहा है। भाई ये कैसे हो रहा है, वो कितना सही लग रहा है दिखने में, कितना ऑसम लग रहा है। बस वो गोल गोल घुमा रहा है उस चीज को एंड इसमें से वो बाल निकल कर ऊपर आ रहे हैं। मे बी नीचे कोई तो चीज लगी है, दैट्स व्हाई वो ऊपर फेंक रही है। बस अगर इसमें कलरिंग होती तो मजा ही आ जाता। क्या ये, वो एक डॉल है, डॉल के में भी बाल बनाए जा रहे हैं। ओह मैंने पहली बार देखे डॉल, मतलब डॉल के बाल ऐसे बनाए जाते हैं। भाई देखो वो पहले टकली थी देन बस उसके गोल गोल घुमाकर सारे बाल बन गए एक मिनट के अंदर। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में डॉल्स के बाल बनते हुए देखे। भाई ये कितनी अमेजिंग चीज है, मतलब वो मशीन उसके ऊपर बाल लगा रही है। अगर ये इंसानों में होता तो कितना मजा आ जाता, मतलब हम भी अपने बाल चेंज वगैरह कर सकते थे, जिसको ब्लैक चाहिए, लंबे चाहिए, छोटे चाहिए, हम हर कुछ कर सकते थे। किसी का तो हाथ है, क्या हो रहा है लेकिन उसको, ओ उसके हाथ में बर्फ जम रही है। आई गेस टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, लिटरली उसके हाथ में जस्ट 2-3 सेकंड के अंदर इतनी सारी बर्फ जम गई। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही ठंडी लोकेशन है, जहां पर बस हाथ बाहर लेकर जाते उस पर बहुत सारी बर्फ जम जाती है। मैंने तो इतनी ठंडी जगह कभी देखी भी नहीं है। ओ क्या ये, आई गेस इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चीज है एंड हम अपना हाथ उसके पास लेकर जाते हैं तो वो हमारे हाथ के ऊपर लग जाती है। लिटरली मुझे थॉर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब थॉर के जैसे शरीर में बिजली दौड़ती है वैसे ही इसके अंदर हमारे हाथ के अंदर बिजली दौड़ेगी। वो रोड साफ किया जा रहा है, ओ ऐसा लग रहा है रोड को नहलाया जा रहा है, वो भी शावर से। क्या ये भाई, ऊपर कैसे जा रहा है ये, हाउ, ऊंचाई तो उधर है, ऐसा कैसे हुआ भाई, I don't know। ये चीज फिजिक्स को चैलेंज दे रही है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है या चढ़ाई से ढलान की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो रहा है। ओ होलोग्राफी की क्या ये, आई गेस ये होलोग्राफ है, ऐसा लग रहा है जेली फिश है एंड वो उसको ऐसे खींच रहा है तो वो ऊपर भी आ रही है। What the hell? भाई टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें हमको देखने को मिलती है इस दुनिया में, स्पेशली इस चैनल पर। एक एग है, ओ उसने एग के ऊपर पावर रखा, वो फूट जाएगा लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। भाई किस टाइप का एग है, क्या ये रियल एग है, कोई तो स्कैम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम एग के ऊपर इतना जोर से प्रेशर लगाएंगे हमारे बॉडी का तो वो डेफिनेटली टूट जाना चाहिए, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। टेबल के ऊपर कपड़ा लगा रहा है भाई, उसके साथ खेल रहा है लिटरली वो, आई गेस इसके काम में बहुत ज्यादा प्रो है एंड जब तक वो लैंड हुआ ये स्मूथली परफेक्ट उसने लगा दिया। क्या है भाई, ये फ्लो हो रहा है, ओ ये फ्लो हो रहा है भाई, ये इतना ज्यादा स्मूथली फ्लो हो रहा है कि हमको लग रहा है कि ये चीज वहां पर जम चुकी है, लेकिन ये फ्लो हो रही है। आई गेस ये बैरल में से कोई तो लिक्विड वगैरह है वो नीचे वाले बैरल में डाला जा रहा है। भाई कितना स्मूथ है ये, वाओ हाउ हाउ, क्या ये भाई टेबल है क्या भाई, ये कितनी औसम चीज लग रही है। एग्जैक्टली ये क्या है, ये नीचे गिर रहा है ऊपर जा रहा है, ये कोई चेयर, ओ ये एक चेयर है, लिटरली ये लड़की उसके ऊपर बैठ गई। तो शुरुआत में ये बस इतना सा एक वुड था, लेकिन इतने से वुड की इतनी बड़ी चेयर बन गई, चेयर टाइप एक चीज बन गई एंड ये लड़की उसको बहुत देर से चेयर बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ठीक से बन नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली उसने समाओ कैसे भी करके उसको एक चेयर की तरह बना दिया। इसको हम अपने घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं बैठने के लिए, एकदम परफेक्ट चीज है। अगर आपके घर में ज्यादा स्पेस नहीं है तो एकदम परफेक्ट चीज है ये। वो एक बीटल है, वो अंदर छेद कर रहा है, मतलब अंदर जा रहा है जमीन के अंदर। भाई मैंने बीटल को जमीन के अंदर जाते हुए पहली बार देखा, वो भी इतनी तेज तरीके से। स्लाइम है ना ये बाहर आने वाली है डेफिनेटली, उसको दबाते ही वो बाहर आने वाली है। ओ वो बाहर निकल रही है, ओ बस 2-3 हिट से पूरे के पूरे ग्लास में थ्रेड्स पड़ गए एंड ये टूटा नहीं है पूरी तरीके से, तो दैट्स व्हाई वो देखने में कुछ ज्यादा सैटिस्फाइंग लग रहा है। ओह आई गेस कोई मॉल है एंड मॉल के अंदर वाटरफॉल है, ओह तुम इसको वर्चुअल झरना भी बोल सकते हैं एंड हम इस मॉल के अंदर जाकर हिल स्टेशन वाला एक मजा उठा सकते हैं। एक कांच की बॉटल है, वो ओह क्या है उसके अंदर, आई गेस फ्रीज हो रहा है, नो ओ पूरा का पूरा वो बर्फ पील ऑफ हो गया।
बर्फ का टुकड़ा, मतलब लीफ के शेप का टुकड़ा है, पूरा का पूरा एक लीफ ही तैयार हो चुका है। आओ कितना स्मूथ है वो, ओ वाओ, ये चीज डेफिनेटली वाओ डिजर्व करती है। ओके बबल है, ये चीज मैंने स्कूल में की है। ओ उसने बबल के अंदर और एक बबल बनाया, उसके अंदर भी और एक बबल बनाया। भाई हाउ, कैसे कर रहा है ये? मैंने एक बबल बनाया था लेकिन मैंने इतने सारे बबल्स नहीं बनाए थे, उसके भी अंदर एक बबल है। भाई रुक जा भाई, कितने बबल्स बनाए गए, एंड वो फूड भी नहीं रहा, वो बाहर के ओके फूड गया, बाहर का भी फूड गया। एंड आई गेस ये चीज आपने भी स्कूल में करी होगी, अगर करी होगी तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। ओके हर्ड के शेप की एक चीज है, एंड यहाँ पर रेड कलर का कोई लिक्विड है, एंड उसको इसके ऊपर डालेंगे। ओ इट लुक्स सो नाइस, एंड दो स्वैन लगा दिए उसके ऊपर। ये कोई केक है, मैं भी वो एक कितना क्यूट एंड स्वीट केक है। ओ एक फ्लोर है, ऐसा लग रहा है ये बंदा स्विमिंग पूल के अंदर चल रहा है। हाउ, आई गेस ये कोई स्क्रीन है मैं भी नीचे फ्लोर पर। भाई ये नेक्स्ट लेवल फ्लोर है, मैंने ऐसा फ्लोर पहली बार देखा है। एंड जैसे हम चलते हैं फूल सामने से हट रहे। ओ ये लड़की मुंह से बबल्स बना रही है। भाई इसने क्या साबुन मतलब पी रखा है क्या, खा रखा है? तो आज तक हम लोग प्लास्टिक के एक स्टिक से बबल्स बनाते थे, लेकिन ये लड़की नेक्स्ट लेवल है, ये अपने मुंह से बबल्स बना लेती है। मैं भी बच्चों को एंटरटेन वगैरह करने का काम करती है ये। तो यार गाइस आज के लिए बस इतना था, एंड आपने कितनी बार वाह बोला वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।